अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद रामी है, डॉक्टर अहमद रामी। मैं पिछले तकरीबन 30 साल से अमेरिका में हूँ, अमेरिकन हूँ। मेरा ताल्लुक पहले गोजरा फिर लाहौर से है और अब ह्यूस्टन मेरा शहर। ये मैं प्रोग्राम शुरू करने लगा हूं कि कमिंग टू अमेरिका, अमेरिका में आप कैसे आते हैं और किस तरह की जिंदगी यहां पे होती है, अमेरिका आने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ये मेरे जहन में इसलिए आया है कि एक तो मेरा ताल्लुक, मुझे आप कम्युनिटी लीडर भी कह सकते हैं, मैं पाकिस्तान में भी था और यहां पे भी हूं। कम्युनिटी लीडर का मतलब होता है कि लोगों की मदद करना है, हेल्प करना है मुख्तलिफ एरियाज में। फिर मेरा ताल्लुक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी रहा, जैसे वर्ल्ड बैंक, WHO, यूनाइटेड नेशन जैसे अदारों के साथ भी मैं अटैच रहा, इंटरनेशनल लायंस क्लब वगैरह वगैरह। तो मैंने बेताशा मुल्कों का सफर किया है दुनिया का, कुछ इन प्रोग्रामों जॉब्स के सिलसिले में आना जाना रहता था, कुछ मैं विजिट करता था और कुछ चूंकि अमेरिकन भी था तो अमेरिका में भी आना जाना लगा रहता था। साल में 1-2-3 चक्कर मेरे पाकिस्तान से अमेरिका, अमेरिका से पाकिस्तान आते थे, क्योंकि मैं अमेरिका पाकिस्तान में कोई फ्री मेरे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हमारी NGO के तहत, तो उनकी लुक आफ्टर के लिए भी जाना आना पड़ता था। मेरी तकरीबन सारी फैमिली अमेरिका में है, सिर्फ एक बड़े भाई थे वो भी डॉक्टर थे तो वो नहीं आए, बाकी तकरीबन सारे लोग अमेरिका में है, कुछ कनाडा में है, एक इंग्लैंड में भी है। ये भी बात करेंगे कि ये क्यों सारे बाहर आ गए पाकिस्तान से। मेरे वालिद जब पाकिस्तान बना तो पंजाब में 4 आई सर्जन थे, वो उनमें से एक थे, अमृतसर से वो हिजरत करके आए थे। मैं ये प्रोग्राम क्यों कर रहा हूं, कमिंग टू अमेरिका, मैं इसलिए कर रहा हूं कि एक तो लोगों की हेल्प हो। मैंने जब से यहां अमेरिका आया हूं मैंने देखा है कि पाकिस्तानी जो हमारे दोस्त हैं वो बगैर किसी हिट एंड ट्रायल की बेस पे वो बाहर के मुल्कों का सफर करते हैं, उनकी कोई खास प्लानिंग नहीं होती, उनको कुछ खास जानकारी नहीं होती मुख्तलिफ चीजों के बारे में, ट्रैवल के बारे में, इमिग्रेशन के बारे में। इसी तरह जब यहां आ जाते हैं तो यहां वो बहुत परेशान होते हैं क्योंकि उनकी रहनुमाई कोई नहीं करता, और पाकिस्तानी जो है वो ऑलरेडी फ्रॉड कॉम है मेजॉरिटी, आई एम सॉरी। वो एक फिल्म देखी थी जवानी में, दोस्ती, दोस्ती में जब फिल्म का हीरो भोला भाला पाकिस्तानी जो जाता है इंग्लैंड तो उसका वेलकम एक पाकिस्तानी करता है जो कि बहुत बड़ा फ्रॉड होता है और वो उस बेचारे को लूट लेता है। यहाँ भी पाकिस्तानी ऐसे हमारे दोस्त बैठे हुए हैं जो देखते हैं कि कौन बाहर से नया है तो उसको लूटना कैसे है, उसको किस तरह परेशान करना है, उसको चक्कर चलाने हैं उसके साथ। कुछ देर के बाद जब आदमी यहाँ रहना शुरू होता है फिर उसको पता चलता है कि ये पाकिस्तानी बहुत अच्छा है, ये कम्युनिटी लीडर है, ये हेल्पफुल है, और वो फ्रॉड था। तो इसलिए बताने का मकसद ये है कि जितनी भी मुझसे हो सके मैं अपने एक्सपीरियंसेस, क्योंकि मैं इंटरनेशनल ट्रैवलर हूँ, फ्रीक्वेंट फ्लायर हूँ, फ्रीक्वेंट फ्लायर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल सफ़र करने वाला, तो मैं रास्ते में भी सफ़र के दौरान भी देखता था हमारे पाकिस्तानियों की मासूमियत कि किस तरह उनके साथ, मतलब एयर होस्टेस तक उनसे बदतमीजी करती थी क्योंकि वो सीधे साधे होते थे,
फिर मैं कई मुल्कों में मैंने काम भी किया है, मैंने वहां भी पाकिस्तानी की हालत देखी है कि उनके साथ उनको कुछ खास पता नहीं होता कई चीजों का। तो इस लेक्चर का मेन मकसद ये है कि उन लोगों की रहनुमाई की जाए कि जो बाहर जाना चाहते हैं, खसूसन अमेरिका में। अब अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका क्या है? सुपर पावर, अकेली वो ताकत है जिसने बेतहाशा मुल्कों को तहोतेर कर दिया, उजाड़ दिया, तबाह कर दिया, हिरोशिमा नागासाकी से लेकर अब आज तक। ये कुछ लोग इसको मीठी जेल भी कहते हैं। मीठी जेल इसलिए कहते हैं कि जब लोग आ जाते हैं तो फिर उनका मन भी नहीं आने लगता, लेकिन जाने को दिल भी नहीं करता। उसकी भी कई वजूहात हैं जो हम जिक्र करेंगे। ये कोई जादू की दुनिया है, क्योंकि हर चीज एक्सट्रीमली इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, साइंटिफिक है। जहाज यहां पे बना था पहला, कार यहां पे बनी थी पहली, टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स यहां पे बने थे पहले। यानी हर नई चीज जो है, नई जायदाद जो है, वो अमेरिका में बनती है, फिर पूरी दुनिया में चली जाती है। इसकी हुक्मरानी जमीन पे ही नहीं है, आसमानों पे भी है। इसके सैटेलाइट आसमानों पे भी उड़ते हैं, रहते हैं, जमीन पे भी है, जमीन से नीचे पता जेर जमीन समुद्रों में भी इसकी हुक्मरानी है। कोई मुल्क इसके आगे चूंचरा नहीं कर सकता। इसका सदर सबसे ताकतवर तरीन हस्ती होता है दुनिया का। तो ये एक अमेरिका के बारे में एक अमूमी तसव्वुर है। अब हम बात करेंगे कि ये एक मिलियन डॉलर सवाल है कि अमेरिका में लोग क्यों आना चाहते हैं, किस लिए आना चाहते हैं, परदेश को छोड़ के क्यों लोग अपने मुल्क से, वतन से बाहर जाते हैं। वो एक दुबई ड्रामा था, दुबई चलो, उसमें अली जा साहब ने जबरदस्त एक्टिंग की थी। किस तरह लोग फ्रॉड भी करते हैं और बहुत ज्यादा करते हैं पाकिस्तान में। एजेंट बैठे हुए हैं जो कि दो नंबरी करते हैं मासूम लोगों से, उनका सारा कुछ लुट जाता है घर बार, इस चक्कर में कि हम मुख्तलिफ लोगों से जब मैंने पूछा कि भाई आप अमेरिका में क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्यों रहते हैं, तो उन लोगों के मुख्तलिफ जवाब आते कि जी हम तो यहां पे आला तालीम हासिल करने आए हैं, हम जी यहां पे कारोबार करने आए हैं, हम यहां पे ये करने आए हैं, वो करने आए हैं। लेकिन एक चीज बिल्कुल वाजे है कि ये लोग अमेरिका में अच्छी जिंदगी के लिए आए हैं, अच्छी जिंदगी के लिए। तो हम अमेरिका क्यों आए हैं, मेरी फैमिली जो है वो अमेरिका में क्यों आई है। जैसे मैंने बताया कि मेरे वालद बहुत सीनियर आई सर्जन थे, पाकिस्तान के बानियों में से थे आई सर्जनों। उन्होंने सारी जिंदगी असूलों पे गुजारी, दीन पे चलते थे। जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने भी कायद अजम की तरह, कायद अजम के वो बहुत जोशीले वर्कर थे, वो अपने आप को कोई रहनुमा शहनुमा नहीं कहते, काम करने पे बिलीव करते थे। तो कायद अजम उनके आइडियल थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। तो कायद अजम के साथ उनका ताल्लुक इस तरह था, मोहब्बत थी। जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने अपना कायद अजम की तरह सूट बूट हैट, पासिंग शो की सिगरेट पीनी, सिनेमा में सब खत्म कर दिया और पूरी तरह दीन की तरफ रागब हो गए। दीन पे पहले भी चलते थे लेकिन वो पूरी तरह से लिबास बदल दिया, शलवार कमीज पहन ली, अचकन बिल्कुल कायद अजम की तरह उन्होंने अपना बाहरी बना लिया। लेकिन असूलों के बड़े सख्त थे,
अब चूंकि वो खुद डॉक्टर थे इसलिए वो चाहते थे कि उनके बच्चे टॉप मोस्ट प्रोफेशनल बने, डॉक्टर इंजीनियर वगैरह। तो जब सबसे बड़े भैया जो हमारे थे वो एक बहुत बड़ी अमेरिकन कंपनी हार्जा के साथ अटैच थे, उन्होंने मंगला डैम और त्रिवेला डैम बनाए थे, उनको सदर अयूब ने मेडल भी दिए थे और उनके मतलब मशहूर था कि उन्होंने डैम के सिलसिले में प्रोक्योरमेंट के लिए इटली से एक टाइल या कोई चीज ऐसी आई थी पत्थर के जो लगाना था तो वो ठीक नहीं था, तो आपने पूरी की पूरी लॉट मुस्तरद कर दी थी कि नहीं हम नहीं लेंगे, ये इसमें गड़बड़ा है, ये पूरी ठीक नहीं है। इस किस्म की वो शख्सियत है। तो खैर वो उनके जो अमेरिकन बॉस थे उनका नाम था पीटर जिरास, उन्होंने जब देखा कि इतना मेहनती यंग लड़का है, इतना मतलब ईमानदार है, तो उन्होंने उनसे कहा कि भाई तुम्हारी यहां पे कोई कदर नहीं है, मैं चाहता हूं तुम अमेरिका चलो। उन्होंने अब्बा जी से पूछा, अब्बा जी ने कहा पुत्र ठीक है, हराम नहीं खाना, तो जहां जाना चाहते हो जाओ। तो वो अमेरिका आए, वो हमारे सबसे बड़े भाई थे जो कि 60s में आए, 60s से शायद पहले, मैं छोटा सा था, स्कूल में पढ़ता था, और यहां आके उन्होंने इतनी तरक्की की, सिविल इंजीनियर थे लेकिन माशाल्लाह उन्होंने इतनी तरक्की की, उन्होंने पूरा का पूरा एक जर्सी सिटी है वो नया डेवलप कर दिया। वो जब उनकी फेयरवेल में मैं शामिल हुआ, उन्होंने उनकी फेयरवेल जब की जब रिटायर हुए, तो पूरे स्टेट के गवर्नर मतलब मेयर तमाम एलीट क्लास के लोग उनको फेयरवेल के लिए उनकी वो पार्टी में आए, और मुझे पहली दफा दिखाया गया उन्होंने मुख्तलिफ चीजों से स्लाइडों से कि जब मेरे भाई आने से पहले थे उस वक्त जर्सी सिटी कैसा था और जब वो अब जा रहे हैं तो अब जर्सी सिटी कैसा, यानी इतना डेवलप हो गया। उन हमारे भाई साहब ने सारे बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए इमिग्रेशन अमेरिका की अप्लाई कर दी, शहरियत जिसको कहते हैं अप्लाई कर दी। तो उसके बाद दूसरे भाइयों के साथ भी ऐसा हुआ, एक भाई साहब थे वो वापडा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर SDO लगे, स्कूटर होता था, गुजारा होता नहीं था, उनको एक सऊदी डेलीगेट आया लेने के लिए रिक्रूटमेंट के लिए, तो उन्होंने भी अब्बा जी से पूछा, अब्बा जी ने कहा जाओ बेटा जाओ, रिश्वत नहीं लेनी, जहां जा सकते हो जाओ। वो सऊदीया चले गए और वो वहां के सऊदी अरब रीजन के दो हिस्से थे, मशरकी और मगरिब, और एक हिस्से के वो बाद में ऑल इन ऑल बन गए, वो हर साल पाकिस्तान से बेतहाशा हजारों मतलब लोगों को, इंजीनियरों को, लेबर को, हर किस्म के लोगों को रिक्रूट करने आते थे और ले जाते थे, और भी बहुत मेहनती थे। एक दफ़ा मैं वहाँ पे गया हुआ था उनके पास सऊदी या जद्दा, तो वो मेरे, उन्होंने कहा मैं एक यम्बू जगह है वहाँ पे जाना है, ग्रिड स्टेशन लगाना है, वहाँ पे मिस्टर हिटैची भी आए हुए थे, तो हम रास्ते में सफ़र कर रहे थे, एक जगह ड्रॉप हुए, तो खान या पानी वगैरह पीने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए, तो वहाँ पे लोगों ने जब भाई साहब को देखा तो उनको हाथ चूमने शुरू कर दिए बद्दुओं ने, तो मैंने उनके ड्राइवर अजायब, उसका नाम था अजायब, उससे पूछा यार अजायब ये क्या हो रहा है, उसने मुझे बताया कि यहां से एक लाइन गुजारनी थी बहुत मशहूर बिजली की पावर लाइन, तो सीमेंस को ठेका दिया गया जो जर्मनी की एक कंपनी थी, तो उनके दो बंदे मरे तो वो भाग गए ठेका छोड़ के बीच में, तो भाई साहब ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, तो अब इन्होंने इतनी लंबी पावर लाइन जो है पाकिस्तानियों ने मदद से इन्होंने लगाई है, इसलिए लोग इनके बहुत एहतराम करते हैं। खैर मैंने बाद में भी देखा कि वो शहजादों के साथ उनकी मुलाकातें, डिनर और मस्जिद नबवी में अंदर चले जाना और खाना काबा के अंदर चले जाना वगैरह वगैरह स्टेटस। उसके बाद अगले भाई थे वो डॉक्टर थे साइकियाट्रिस्ट, तो उनका भी वो एक गांव में लगे हुए थे मेडिकल ऑफिसर, तो उन्होंने भी यही कहा, तो
वो भी अमेरिका आए और यहाँ उन्होंने पूरी तरह से सारे एग्जाम दे के वो यहाँ के एमडी बन गए। उससे छोटे जो थे वो भी धक्के खा रहे थे पाकिस्तान में, वो भी डॉक्टर थे, एनेस्थेटिस्ट थे, तो डॉक्टर स्याल के अंडर थे लेडी विलिंगटन में, तो उन्होंने भी बाहर जाने का इरादा शो किया, तो वो डॉक्टर स्याल नहीं छोड़ रहा था, तो अब्बा जी के जूनियर थे डॉक्टर स्याल। फिर उसने, भाई साहब ने अब्बा जी को बुलाया, अब्बा जी ने स्याल से कहा कि तू मेरे पुत्र को जान क्यों नहीं दिंदा? वो कहना नहीं नहीं मैं तो नहीं रोक रहा, स्याल ने कहा। तो फिर उसकी जान छूटी भाई साहब की, वो फिर भी गए सऊदीया और फिर वहां पे वो नियोनेटल एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थे रियाद हॉस्पिटल के, बाद में उनकी फैमिली भी अमेरिका शिफ्ट हो गई। तो इस तरह हम लोगों को, हम अमेरिकन बने। अब ये जो मेरे लेक्चर का, जैसे मैंने पहले बताया है, मकसद एक है कि हमारे सीधे साधे पाकिस्तानियों को मालूमात दी जाए, ऐसी जानकारी दी जाए जिससे उनको हेल्प मिले। होता ही है कि लोग आ जाते हैं लेकिन उनको कुछ नहीं पता था क्या करना है। जो यहाँ पे उनके कोई दोस्त वोस्त होते हैं या रिश्तेदार, वो चंद दिन उनको बर्दाश्त करते हैं, फिर कहते हैं चल पा दे, वो भी बात करेंगे, उसकी भी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। तो वो बेचारे धक्के खाते 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 रुलते रहते हैं, रुलते रहते हैं, जो कुछ पास लाए होते हैं सब खत्म हो जाता है, फिर बहुत सख्त किस्म की मजदूरियां करते हैं, फिर कुछ वापस चले जाते हैं परेशान हाल। कुछ जो यहाँ रहते हैं उनका हाल बहुत खराब होता है, बीमार हो जाते हैं, उनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं होती हेल्थ इंश्योरेंस, तो रगड़े खाते खाते मर भी जाते हैं और उनकी डेड बॉडीज पीआईए के जरिए वापस भेज दिया। तो मैं चाहता हूं कि जितना मुझे इल्म है, मैं कोई इंसाइक्लोपीडिया तो नहीं हूं, जितना मेरी ऑब्जर्वेशन है मैं आपके साथ शेयर करूं। तो सबसे जो पहला स्टेप होगा उसमें वो होगा ट्रेवल, यानी हवाई सफर। ये पहला हमारा होगा जो कि हम अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि ये पहला लेक्चर जो हवाई सफर है, अब जब मैंने सफर शुरू किया 1970 में हवाई सफर, तो उस वक्त की हालत बताऊंगा कि एक दो त्यारे होते थे जो कराची से इस्लामाबाद जाते थे, रास्ते में लाहौर रुकते थे, सिर्फ दो या तीन फ्लाइट्स होती थी, छोटा सा एयरपोर्ट होता था, अड्डा था बसों के अड्डा की तरह। तो अब इतना ज्यादा हो गया, इतनी दुनिया में हवाई सफर हमारी पाकिस्तानी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शायद उनके लिए ये बहुत मतलब न्यू कमर, उनको बड़ा लगेगा जी ये तो हम जानते हैं पहले ही, लेकिन वो लोग जो नहीं जानते उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल देखें भी, सब्सक्राइब भी करें, लाइक वगैरह भी करें, शुक्रिया। तो अगले लेक्चर में मुलाकात होगी ट्रैवल में। अल्लाह हाफिज़।